हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्ट का पार्ट 3, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के अलावा इस टेस्ट को बोला जाता है ब्रिक टेस्ट। तो इस वीडियो में हम ब्रिक टेस्ट के ऊपर इन डिटेल में बात करेंगे। ब्रिक टेस्ट के जितने भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा हम इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे, जिससे आप इस टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट के टाइप्स के बारे में। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट को अगर सिर्फ एक वर्ड में सम अप किया जाए तो आपका आएगा काउंटिंग, यानी गिनती। नाम में इसका है डेप्थ, लेकिन गहराई से इसका कोई संपर्क नहीं है। इस टेस्ट में अगर आपको कुछ करना है तो है गिनना है। तो इस टेस्ट में टोटल दो टाइप्स होते हैं। पहला है काउंटिंग ऑफ ब्रिक्स दैट आर टच्ड, यानी एक ब्रिक के साथ बाकी कितने ब्रिक टच्ड है वो आपको गिनना है। और अगर बात करें दूसरे टाइप्स के बारे में तो वो है काउंटिंग ऑफ ब्रिक्स दैट आर हिडन, यानी टोटल कितने ब्रिक्स छुपा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये दो टाइप्स होते हैं ब्रिक टेस्ट के अंदर, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 के बारे में, जो है काउंटिंग ऑफ ब्रिक्स दैट आर टच्ड, यानी एक ब्रिक के साथ कितना ब्रिक टच्ड है वो आपको गिनना है। तो इस टाइप में आपको दो चीज याद रखना है। पहला है जितने भी ब्रिक होंगे यहाँ पे वो सारे सेम साइज का होगा, यानी जितने भी ब्रिक्स है हर ब्रिक का साइज एक होगा। और दूसरा है एक ब्रिक के साथ अगर दूसरा ब्रिक सिर्फ कॉर्नर में अटैच्ड होंगे तो वो आपके काउंटिंग में नहीं आएंगे। ओके, अभी पिक्चर पे देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 5 ब्रिक है और 5 ब्रिक का नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई ऐसे करके। तो आपका क्वेश्चन है कि एक ब्रिक के साथ बाकी कितने ब्रिक टच्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए को पकड़ा जाए तो ए के साथ बाकी कितने ब्रिक टच्ड है, तो जो नंबर ऑफ ब्रिक टच्ड है वही होगा आपका आंसर ए के हिसाब से। तो इस टाइप को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ एक काम करना होगा, जो ब्रिक के हिसाब से आपका क्वेश्चन है आपको सिर्फ उस ब्रिक के चारों तरफ कितने ब्रिक है वो अच्छे तरीके से देख लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए के साथ अगर पूछा जाए कि कितने ब्रिक टच्ड है, तो आप देख सकते हैं नीचे बी वाला जो ब्रिक है ये टच्ड है और बाएं तरफ सी वाला जो ब्रिक है वो टच्ड है, यानी ए के साथ टोटल 2 ब्रिक टच्ड है, यानी आपका आंसर होगा ए के साथ 2। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, ए के साथ कॉर्नर में डी भी अटैच्ड है, लेकिन ये काउंटिंग में नहीं आएगा। ये हम पहले ही बता चुके कि कॉर्नर के साथ जो भी ब्रिक अटैच्ड होते हैं वो काउंटिंग में नहीं आता, इसलिए डी नहीं आएगा, सिर्फ बी और सी आएगा। तो आपका आंसर आएगा 2। उसी तरीके से अगर बी को देखा जाए तो बी के साथ ब्रिक अटैच्ड है, एक है ए और दूसरा है ई, तो बी के साथ भी आपका आंसर आएगा 2। नेक्स्ट सी के साथ देखिए, सी के साथ अटैच्ड है डी, ई और राइट साइड में ए, यानी आंसर आपका आएगा 3। नेक्स्ट अगर बात करें डी के बारे में, तो डी के साथ सिर्फ एक ही ब्रिक अटैच्ड है जो है सी, यानी आपका आंसर आएगा 1। लास्ट में अगर बात करें ई की, तो ई के साथ भी सिर्फ 2 ब्रिक अटैच्ड है, एक है सी और एक है बी, यानी आपका आंसर आएगा 2। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2 में, यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना है। जिस ब्रिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं उस ब्रिक के चारों तरफ आपको अच्छे तरीके से देख लेना होगा। और एक बात याद रखिएगा कि सारे ब्रिक सेम साइज का होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ब्रिक बड़ा है और दूसरा छोटा, सारे ब्रिक समान है, इस हिसाब से आपको सोचना है।
अभी देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ब्रिक ए के साथ टोटल कितने ब्रिक टच्ड है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पे एक ब्रिक टच्ड है, यहाँ पे एक और एक दो, नीचे एक और लास्ट में जो ब्रिक है ये वाला, ये भी टच्ड है, क्योंकि ए जो है ये लास्ट तक है यानी यहाँ तक, और ये वाला जो ब्रिक है ये इस साइड में लास्ट तक है, तो ए के साथ ये ब्रिक भी टच्ड है। तो आपका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी आपका आंसर होगा 5। नेक्स्ट अगर देखा जाए ब्रिक बी के साथ कितने ब्रिक टच्ड है, तो आप देख सकते हैं बी के ऊपर एक, लेफ्ट में ए के साथ और नीचे दो के साथ, यानी आपका आंसर आएगा 4। उसी तरीके से अगर देखा जाए ब्रिक सी के बारे में, तो आप देख सकते हैं ब्रिक सी के साथ सिर्फ एक ही ब्रिक टच्ड है जो है सी का नीचे वाला, यानी आपका आंसर आएगा 1। नेक्स्ट अगर देखा जाए ब्रिक डी के बारे में, तो आप देख सकते हैं डी के साथ ऊपर में एक ब्रिक टच्ड है और नीचे में ई वाला ब्रिक टच्ड है, यानी डी का आंसर आएगा आपका 2। लास्ट में ब्रिक ई के बारे में देखिए, ई के साथ ऊपर में एक ब्रिक टच्ड है और लेफ्ट में डी के साथ, तो ई का आंसर भी आएगा 2। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 3 में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें तो आपका सारे क्वेश्चन आसान ही है इस टाइप में। तो सबसे पहले देखिए ब्रिक ए के रिगार्डिंग, अगर ब्रिक ए को देखा जाए तो ए के साथ ऊपर में एक ब्रिक अटैच्ड है, साइड में एक ब्रिक अटैच्ड है और नीचे में एक ब्रिक अटैच्ड है, यानी आपका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट देखिए ब्रिक बी, बी का अगर देखा जाए तो ऊपर में 1, 2, 3 ब्रिक अटैच्ड है, नीचे एक ब्रिक अटैच्ड है और यहाँ पे ब्रिक सी जो है ये भी अटैच्ड है, यानी आपका आंसर आएगा 3+2 यानी 5। नेक्स्ट देखिए ब्रिक सी को अगर देखा जाए तो ब्रिक सी के साथ लेफ्ट में एक, राइट में दो, ऊपर में ये वाला और लास्ट में जो दो ब्रिक है ये भी अटैच्ड है। अगर आप अच्छे तरीके से देखें यहाँ पे ब्रिक सी जो है ये पूरा अंत तक है और ब्रिक सी के ऊपर ही ये दोनों ब्रिक खड़ा हुआ है, यानी अगर ब्रिक सी को देखा जाए तो आपका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6। नेक्स्ट अगर ब्रिक डी को देखा जाए तो आप देख सकते हैं ब्रिक डी के साथ सिर्फ एक ही ब्रिक अटैच्ड है जो है ब्रिक ए, यानी आपका आंसर आएगा 1। और लास्ट में अगर ब्रिक ई को देखा जाए तो आप देख सकते हैं ब्रिक ई के साथ लेफ्ट में एक कनेक्टेड है और नीचे टोटल 3 ब्रिक कनेक्टेड है, पहला है बी, दूसरा है सी और लास्ट में है सी के लेफ्ट में जो है ओ वाला ब्रिक, क्योंकि ब्रिक ई यहाँ पे लास्ट तक है और नीचे का जो ब्रिक है वो भी यहाँ पे लास्ट तक है, तो ब्रिक ई के साथ टोटल अटैच्ड है 1, 2, 3 और 4 यानी आपका आंसर आएगा 4। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर्स करना कितना आसान है, आपको सिर्फ अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, ये पूरा खड़ा हुआ है ऑब्जर्वेशन के ऊपर। अगर आप ठीक तरीके से देख पाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 2 के बारे में, जो है काउंटिंग ऑफ ब्रिक्स दैट आर हिडन, यानी टोटल कितने ब्रिक्स है जो छुपा हुआ है। इसको अगर थोड़ा डिटेल में बोला जाए तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स जिसके साइड और कॉर्नर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको दो चीज याद रखना है, पहला है जितने भी ब्रिक्स है वो सारे सेम साइज का है पिछले बार की तरह, और दूसरा जो है वो है बेस ऑलवेज फील्ड, यानी बेस में आपको पकड़ लेना होगा कि सारे जगहों में ब्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये ब्रिक दिखाई ना दे तो आप ऐसा नहीं कह सकते या सोच सकते कि यहाँ पे ब्रिक नहीं है, बेस में आपको पकड़ना होगा कि सारे जगहों में ब्रिक्स है। ओके, तो इस टाइप में आपका क्वेश्चन है कि टोटल कितने ब्रिक्स छुपा हुआ है। अगर डिटेल में बोला जाए तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो सारे ब्रिक्स का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना साइड
और ना कॉर्नर। तो इस डायग्राम में आपका आंसर क्या होगा? आप आसानी से देख सकते हैं कि इस डायग्राम में टोटल 2 ब्रिक्स छुपा हुआ है, यानी आपका आंसर होगा 2। बेस में राइट कॉर्नर में जो ब्रिक है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और राइट कॉर्नर के नीचे यानी इस ब्रिक के नीचे जो ब्रिक है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 2 ब्रिक आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2 में, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन सेम है कि टोटल कितने ब्रिक छुपा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे आपको रूल 2 अप्लाई करना है, जो हमने पहले ही आपको बोला कि बेस में जितने भी ब्रिक्स है वो सारे फिल्ड अप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बेस के मिडिल पे जो ब्रिक है वहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पकड़ लेना होगा कि बेस में सारे ब्रिक फिल्ड अप है। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए, पहला है बेस, दूसरा है मिडिल पोर्शन और तीसरा है अपर। अभी देखिए बेस में सारे फिल्ड अप है, यानी टोटल ब्रिक्स है 3 × 3 यानी 9। अभी देखिए 9 में से आपको कितने ब्रिक दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 ब्रिक आपको दिखाई दे रहा है, यानी छुपा हुआ है टोटल 3 ब्रिक, यानी बेस में आपका टोटल 3 ब्रिक छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखिए मिडिल पोर्शन पे, मिडिल पोर्शन पे टोटल ब्रिक है 4, 4 में से ये 3 आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये वाला जो ब्रिक है इसके नीचे जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी मिडिल पोर्शन पे आपको टोटल 1 ब्रिक नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें अपर के बारे में, तो अपर में टोटल 4 ब्रिक्स है और 4 में से 4 ही आपको दिखाई दे रहा है, यानी अपर में ऐसा कोई भी ब्रिक नहीं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपली आपका आंसर आएगा 3+1 यानी 4। ओके, तो ऐसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है, और उम्मीद करता हूं कि आपको 2 टाइप्स के बारे में ही अच्छे तरीके से समझा पाया। सो ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कृपया कॉमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।